नमस्कार दोस्तों, कृष्णा कृषि यंत्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आ गए हैं आज लेटेस्ट मॉडल ट्रॉली का, जो शाइन गाड़ी पर किस प्रकार फिटिंग होगा, पूरा वीडियो देखते हैं। किस प्रकार किसान भाइयों को घर पे ट्रॉली फिटिंग करने में समस्या आती है, उसके समाधान के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर तरह तरह मशीन के और जुगाड़ के वीडियो मिलने वाले हैं। बिना समय गवाए देखते हैं ये पूरा वीडियो। दोस्तों देख रहे हैं आप, हीरो होंडा शाइन गाड़ी हमने खोल दी है। साइलेंसर को आपको नहीं खोलना है, खास करके ध्यान रखना है। अगर अड़ता हो, कहीं प्रॉब्लम आता हो तो बैन देके लगाना। नया मॉडल आपके सामने आ चुका है, ट्रॉली का ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है। इसमें दोनों बुश इस प्रकार लगाने, जहां साफ साफ दिख रहा है वहां पर। आपको सामने दिख रहे हैं दोनों बूश लगे हुए हैं। इस प्रकार इसको फिटिंग करना है। कटिंग के लिए इस प्रकार नाप आपको लेना है पाइप लगा के। जहीं पे भी अंदाज से आप एक बार लगा के, पाइप को लगा के अंदाज से करीबन 8 इंची ऊपर से नीचे का टॉप लेके, आपको 8 इंची इसमें लेके फिर निशान लगाना है। निशान जो मार्किंग आता है उससे करीबन 1/2 इंच और ज्यादा काटना है। कटिंग करते समय खास करके ध्यान रखें, व्हील को सावधानी से चलाएं, ग्राइंडर को सावधानी से चलाएं, ताकि आपको कोई सी प्रकार की समस्या नहीं आए, क्योंकि इसमें व्हील टूटने का चांस रहते हैं। कट चुका है आपके सामने, देखिए ये चीज। इस प्रकार 8 इंची का मापना है आपको दोनों साइड पे। आठ इंच पर दोनों साइड पर माप लिया है। दोस्तों घर बैठे किसी किस प्रकार आप ट्रॉली फिटिंग करें, इसलिए हमने स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया है। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। 8 इंची पर आपको करेक्ट मापना है। आगे जो पाइप का इसका लेवल बरोबर देखना है कि किस प्रकार बरोबर लेवल पे आगे है, उसी समय इसको स्टॉप कर देना है। कोई एक्यूरेसी नहीं मिलानी है आपको। ये गिरारी इसमें देख रहे हो आप, जो गिरारी शाइन गाड़ी का थोड़ा जाड़ा वाला चेन आता है, पतला वाला बाजार से मार्केट से लेना है आपको, ताकि स्प्लेंडर मॉडल का इसमें लगाना है, हमने लगा दिया है। यहाँ पर हमने वेल्डिंग भी कर दिया है। ये वेल्डिंग करके उसको ओके कर दिया, चेन लगा रहे हैं हम। चेन लगाना आसान है, चेन लग चुका है। इसमें अब इसको व्हील को घुमा के चेक करना है, ब्रेक कम ज़्यादा होगा तो उसका भी हम आपको बताएंगे, ब्रेक को कम ज़्यादा कैसे कर किया जाए। इसमें ऑयल कर देना है आपको, ताकि स्मूथ चेन चले। ब्रेक लगाने के लिए आपको ये पत्ती ऊपर से नीचे लगानी है, जो ब्रेक में डंडी में, ये यहाँ पर हम फुल बिना वेल्डिंग किए ही बेचते हैं। यहाँ आपको वहाँ पर आपको वेल्डिंग करवाना है, ये यहाँ पर सेटिंग होने के बाद। यहाँ पर ओके सेटिंग हो गया है। ये जो बाइक का ब्रेक लगता है वहीं पर इसको सेट किया है। ब्रेक को अगर टाइट करना है, ज़्यादा लगाना है, तो यहाँ पे इस चूड़ियों को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। आसान है तरीका ब्रेक को टाइट करने के लिए, ताकि आसानी से ब्रेक लग जाए। इसको थोड़ा फुला देना है, ताकि इसको ज़्यादा टाइट कर देना, ताकि इसमें आसानी से ब्रेक लग जाए। ये हमने ऊपर ढांचा भी लगा दिया है कंप्लीट, पीछे शॉकर लगा रहे हैं। ढांचा ऊपर का फोल्डिंग रहता है, आसानी से निकल सकता है, आसानी से लग सकता है। आगे वेल्डिंग कर दिया है, कंप्लीट हो गया है। ओके, ब्रेक वगैरह लगा दिया है। अब इसमें आगे क्या होता है, शोकर दब जाता है, तब इसमें शोकर की जगह स्प्रिंग कैसे डालें, आपको ये भी हम साथ साथ में बता देते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए।
कोई भी पुराना चोकर लेना है उसकी स्प्रिंगें निकाल देनी है। इस प्रकार निकालनी है उसको, जो आपके आसपास नज़दीक बाइक वाले कोई भी निकाल देगा इसको, दोनों स्प्रिंगें निकल चुकी है। हैंडल दोनों ऊपर के खोल देने हैं, जो चोकर लगे हुए हैं दोनों निकाल देने हैं। निकाल दिए हैं दोनों स्प्रिंगें, इसके अंदर डालनी है। फिर वापस ये थोड़ा बड़ा आता है जिसको छोटा करना है, काट के लेवल के जहाँ तक कितना बड़ा चाहिए वो सारे आपके नज़दीक बाइक वाले लगा देंगे इसको आसानी से। कटिंग करते समय सावधानी अवश्य रखें आप। इस प्रकार दोनों बैठ गई है अंदर, चोकर जो स्प्रिंग है दोनों लग गई। अब दोनों चोकर को ऊपर वापस बाइक में आपको व्यवस्थित लगाने हैं। दोस्तों आप ऑनलाइन ऑर्डर करके ऑनलाइन घर बैठे आप कैसे ट्रॉली मंगाए और किस प्रकार फिटिंग करें, इसलिए हमने स्पेशल आपका ये वीडियो बनाया है। और ये लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ, ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है और कैपेसिटी 5 क्विंटल वजन की रहती है। वापस इस प्रकार आपको शोकर वापस पहले जैसे ही कस देना है। शोकर लगाने में काफी किसान भाई कमेंट करते हैं कि शोकर की स्प्रिंग है, शोकर दब जाता है, स्प्रिंग है कैसे लगाए, तो आपके लिए ये स्पेशल इसमें भी हमने साथ में ले लिया है ताकि किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। पुराने शोकर की स्प्रिंगें निकालनी है, वही स्प्रिंग आपने जो आपके बाइक के आगे के शोकर है वहां पर लगाना है। ये बिल्कुल व्यवस्थित फिटिंग हो चुका है कंप्लीट, आगे शोकर लग चुके हैं आपके सामने हैं, इसको हम अब टेस्टिंग के लिए बुलाएंगे। देखिए आप ये यहाँ पे किस प्रकार टेस्टिंग हो रहा है, काफ़ी स्पीड रहता है इस ट्रॉली का काफ़ी स्पीड रहता है इसमें, 50-60 की स्पीड चल सकती है। वजन 500 किलो इसका कैपेसिटी रहता है लाने ले जाने का, कोई इसमें बैलेंस नहीं बिगड़ता है, ये सक्सेसफुल मॉडल है बिल्कुल। एवरेज भी इसका डाउन मात्र 10 किलोमीटर डाउन होता है, जो एवरेज आपका 50 का दे रही है वो 40 का देगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय जवान जय किसान।